नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है हृदय रेखा हॉटलाइन। यह रेखा हमारे स्वभाव को निर्धारित करती है कि हमारा स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। तो करते हैं विश्लेषण। देखिए कि यदि हमारी ये एज लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये हार्ट लाइन, यदि हमारी हार्ट लाइन कांत इस शनि पर्वत के नीचे हो रहा है, अंदर हो रहा है, तो ये इशारा करती है कि जातक बहुत कामी होगा, क्रोधी होगा, व्यभिचारी होगा, मद्यपान करेगा, हिंसा करेगा और पैसे के लिए तो रिश्ते भी खराब कर सकता है। उसके लिए मनी मैटर्स मोस्ट, वो रिलेशंस की परवाह नहीं करता, उसे अपना पैसा चाहिए। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके दिमाग में जो पहला आइडिया आता है वो आता है हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू रेस मनी। तो जब हमारी हार्ट लाइन शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। आदमी बहुत चंचल भी होता है, स्थिर बुद्धि नहीं होता और क्रोधी, अहंकारी, कामी और बहुत ही मनी माइंडेड होता है, संकुचित विचार होते हैं उसके। लेकिन यदि यह रेखा आगे बढ़कर ये चली जाए इस तरह कर्व लेते हुए इस सैटर्न और जुपिटर फिंगर के बीच नीचे, तो ये दिखाती है, ये रेखा स्वभाव दिखाती है कि जो जातक है ना उसके विचार बड़े लिबरल हैं और सबसे बड़ी बात वो काइंड हार्टेड तो है ही, अच्छा तो है ही, दूसरों के दर्द को समझता है। लेकिन उसके पास एक खास कला होती है, वो होती है प्रेम प्रदर्शन। जब भी मौका मिलता है वह अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को, उनको एक्सप्रेस करने में कभी नहीं हिचकिचाता, बार बार करता ही रहता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो सच्चे प्रेमी होते हैं, कोई बात दिल में नहीं रखते, बिल्कुल साफ साफ बोल देते हैं और अक्सर लोग उनकी बातों का बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम प्रदर्शन करना एक कला है, अच्छी कला है। यदि हमारे दिल में किसी के प्रति कुछ भावनाएं हैं तो हमें उन्हें उजागर कर देना चाहिए। यह रेखा यही प्रदर्शित कर रही है। यदि ये रेखा ऊपर न जाकर थोड़ी नीचे को चली जाए, ऐसे है तो गुरु पर, जुपिटर पर, आदमी को ज्ञानवान बनाएगी, चतुरान बनाएगी, धार्मिक बनाएगी, सब ठीक। ऐसा जातक बड़ा ही अच्छा एक लवर भी होता है, परोपकारी, काइंड, सब अच्छे गुण उसके अंदर होते हैं। लेकिन वो अक्सर ना निराश हो जाता है, जस्ट ग्लूमी, सीरियस सेट। क्यों? क्योंकि जो भी वह काम करता है ना उसे बड़े डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ करता है। एक टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं, उन लोगों से उसकी वही अपेक्षा होती है कि वे लोग भी अपना काम पूरे डेडिकेशन से, डिटरमाइंड होकर, वेल डिसिप्लिन होकर करें और उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट दें। लेकिन जब ऐसे जातक को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते
तो वह अक्सर दुखी हो जाता है. ही फील्स सैड, ग्लूमी, सीरियस. तो अच्छा भी है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना और उसे, ये थोड़ा गड़बड़. लेकिन अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी हो और सीधी यहाँ तक पहुँच जाए, ग्रुप के अंदर पहुँच जाए, इसको बहुत अच्छा माना जाता है. ऐसा जातक बड़ा नेक दिल होता है, बड़ा ईमानदार, बड़ा भावुक, कुल मिलाकर बहुत परोपकारी. और सबसे बड़ी बात उसकी ईमानदारी. उसकी ईमानदारी पर कभी भी शंका नहीं की जा सकती. मान लो ऐसे जातक को किसी को 5,000 रुपये देने हैं या 50,000 रुपये देने हैं, तो वो खुद चलकर उस दूसरे के घर जाएगा और उसके पैसे देकर आएगा. ऐसे लोग होते हैं ये, बहुत ही ईमानदार. लेकिन यहाँ पर अगर हमारी हृदय रेखा ऐसी ना होकर और कुछ इस तरह हो जाए कि यहाँ से निकले और सीधी आर पार हो जाए, हथेली के आर पार, यह अशुभ होती है. अब आदमी के पास में भावनाएं वावनाएं कुछ नहीं है, वो क्रूर सा हो जाता है और साथ में बड़ा लोभी होता है, लालची होता है और कंजूस मक्की चूस होता है. अपने स्वार्थ के लिए वह कुछ भी कर सकता है, कितना भी गिर सकता है. उसे केवल हमेशा सबसे पहले अपना स्वार्थ दिखाई देता है. साथ में बहुत ज़्यादा मितवई, नॉट मितवई, एक्स्ट्रावेजेंट तो हो नहीं सकता, उल्टा माइजर होता है. कभी पैसा खर्च करेगा ही नहीं, उसके ख्याल में भी ख्वाब में भी ये बात नहीं आएगी. उल्टा वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि कहाँ से पैसे की कमाई हो सकती है, कहाँ कहाँ स्कोप बन सकते हैं. उसे रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं, बस अपने स्वार्थ से मतलब है कि जहाँ उसे कुछ मिले. और जब मिल जाए ना, उसको उसके पास से खर्च करवाना असंभव. बहुत ही स्वार्थी, लालची, कंजूस, महामक्की चूस आदमी होता है. अगर हृदय रेखा इस किनारे से निकलकर जुपिटर को क्रॉस करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाए, तब आदमी इमोशनलेस, कोई भावना उसके पास नहीं होती. इस तरह हमने देखा, इसको पार्ट वन मान लीजिए, कि हर्ट लाइन हमारे स्वभाव को डिटरमाइन करने में एक बड़ी भूमिका, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है. हमने शुरुआत की थी शनि पर्वत के नीचे से, हम पहुँचे गुरु पर्वत तक. अगले वीडियो में हम और पर्वतों को लेंगे. अगर बुध पर समाप्त होती है तो क्या होता है, अगर सूर्य पर समाप्त होती है स्वभाव कैसा होता है, ये योग आपको समझ आ गए होंगे, मुझे ऐसी आशा है. आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार. एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना. जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, शायद वो हृदय रेखा पर ही हो. तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया.